कांग्रेस की आइडियोलॉजी, कांग्रेस की राजनीतिक परिस्थिति, इसके ऊपर सारे देश के अंदर मजाक उड़ रहा है। उनके नेता भी कंफ्यूज हैं, उनके कार्यकर्ता भी कंफ्यूज हैं, और उनकी नीयत और नीति में भी कंफ्यूजन है। यदि आप वर्तमान समय में अगर चुनाव देखेंगे तो बंगाल में भी चुनाव हो रहे हैं, केरल में भी चुनाव हो रहे हैं। बंगाल में CPM और कांग्रेस का गठबंधन है, केरल के अंदर कांग्रेस और CPM आमने सामने लड़ रहे हैं। कांग्रेस की कौन सी राजनीति है? दूसरी बात, यहाँ कल गठबंधन होता है, इसी मंच पे सब एक साथ इकट्ठे होते हैं, मंच से उतरते ही सब अपने अपने झांझ मजीरा बजा रहे हैं। तो कुल मिलाकर सब अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जब व्यक्ति अपने बारे में सोचता है तो कभी भी वह गठबंधन सफल नहीं होता। वास्तव में राजनीति होती है समाज के लिए, राजनीति होती है देश के लिए। ये देश के लिए या समाज के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसलिए इनके स्वार्थ आपस में और ऐसे गठबंधन कभी भी सफल नहीं होते। पर हमारी तो शुभकामना है कि इनका गठबंधन सफल हो, और हमारा इससे कोई हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। हम खेल की तो बात ही नहीं करते हैं, खेल खेलने का काम, खेल में डिस्टर्ब करने का काम, खेल के नाम पर गुंडागिर्दी करने का काम, ये TMC करती आ रही है हमेशा। हम तो सीधे स्वच्छ तरीके से यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, जनता के बीच में जाएंगे। हम सिर्फ चुनाव आयोग से इतना चाहते हैं कि चुनाव निर्भीकता से हो, मतदाता निडरता से वोट डाल सके, ऐसा वातावरण बनाए। हमें चुनाव आयोग ने आश्वस्त किया है कि हम इस प्रकार का वातावरण बनाएंगे, और सेंट्रल फोर्स यहाँ पर डिप्लॉयड करेंगे, और किसी भी प्रकार के गुंडों को यहाँ पर चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेने देंगे। हमको चुनाव आयोग ने आश्वस्त किया है। हम चुनाव आयोग से मांग भी कर रहे हैं कि उन सब गुंडों को जो बाहर घूम रहे हैं TMC के, उनको तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई। लेकिन क्या साथ देंगे? गेम चेंज तो हो गया है, और 7 मार्च उस पर सील लगाएगा। गेम चेंज तो हो गया है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, और निश्चित रूप से दीदी की विदाई तय है। जैसे हमारे बंगाल के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने उस दिन कहा कि 2 मई दीदी गई, 2 मई दीदी गई, ये पक्का है बिल्कुल। 2 मई को जब परिणाम आएंगे तो दीदी यहाँ पर विपक्ष में भी रहेगी कि नहीं रहेगी, क्योंकि वो चुनाव जीतेगी कि नहीं जीतेगी, मुझे तो उसमें भी शंका है। देखिए, ये उनकी आदत रही है, याद आता है पिछले पंचायत के चुनाव में जब मालदा के अंदर एक कार्यकर्ता की, मुस्लिम कार्यकर्ता की हत्या हुई थी, उसके फादर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि TMC के गुंडों ने माना। उसके बाद वीरभूम के जो जिलाध्यक्ष है वो गए वहाँ पर, उसके घर गए, और उनके पिताजी को इतना डराया कि 1 घंटे बाद उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और कहा नहीं, भाजपा के लोगों ने मारा मेरे बेटे को। तो यहाँ तो दबाव की राजनीति चलती है। बेचारे व्यक्ति के घर में किसी की मौत हो जाए तो उसको रोने का अवसर भी यहाँ TMC के गुंडे नहीं देते हैं।